नमस्कार, बीसीएन न्यूज की खबरें सुपर फास्ट में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। पहाड़ी चौक पर पुलिस की पिटाई से बाइक सवार मैकेनिक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर केस दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग कर पहाड़ी के भवानी हॉस्पिटल में हंगामा किया। इस वारदात से तनाव पैदा हो गया। मृतक मनोज हरिभाऊ ठक्कर शारदा नगर पहाड़ी है। रोगियों की संख्या घटने के बावजूद नियंत्रण के लिए जांच व टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। नागपुर शहर के 45% नागरिकों का टीकाकरण हो चुका है। बीते 6 माह में शहर में विभिन्न विकास कार्यों को गति देने के लिए 116 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। बुधवार को यह जानकारी महापौर दयाशंकर तिवारी ने दी। जून महीना हत्याओं से भरा होने के बावजूद जुलाई में भी यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार रात सुदामा नगरी पांडरा बोड़ी में अपराधी की निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक हिलटॉप निवासी अक्षय बाबूलाल जयपुरी बताया गया। अक्षय आपराधिक प्रवृत्ति का था। संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय का 108वां दीक्षांत समारोह 9 जुलाई को सुबह 11 बजे होगा। 50 वर्ष बाद यह समारोह विवि के पूर्व मुख्य प्रशासकीय कार्यालय के ऐतिहासिक दीक्षा सभागृह में होगा। समारोह में देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश शरद बोबड़े को मानद डिलीट की उपाधि प्रदान की जाएगी। त्रासदी पर कारगर उपायों में भले ही वैक्सीनेशन को उपयुक्त माना जा रहा हो, लेकिन सरकार से वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण कई बार अभियान पर ब्रेक लगा। लंबे समय बाद पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध होने के कारण बुधवार को वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बनने का दावा ममता की ओर से किया गया। बताया जा रहा है बुधवार को सरकारी केंद्रों पर कुल 33,470 लोगों को टीका लगा। विकोली 5 नंबर बंकर क्षेत्र में रेत के डिगारे पर खेलते खेलते 9 साल के बच्चे को बिजली का करंट लगने से मौत हुई। सदर घटना मंगलवार शाम 6 बजे के दरमियान घटी। मृतक बालक का नाम नक्ष चंद्रपाल सुनकर उम्र 9 साल सिल्लीवाड़ा ऐसा बताया जा रहा है। सदर घटना पश्चात छोटे छोटे बच्चे वेकोली बंकर के नजदीक रेत के डिगारे पर खेल रहे थे। उनमें खेलते समय एक बच्चे को बिजली का इलेक्ट्रिक करंट लग गया। वाड़ी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में सप्ताह भर में 2 बलात्कार के मामले सामने आए। दोनों में पॉक्सो तथा बलात्कार का मामला दर्ज किया गया। शिवाजी नगर वाड़ी निवासी आरोपी शुभम रामटे की उम्र 19 को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक लंबे अरसे से हो रही उमस भरी गर्मी से नागपुर वासियों को गुरुवार को ही बारिश ने राहत दी। वहीं किसानों के चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी। हालांकि भारतीय मौसम विभाग ने नागपुर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। गुरुवार को ही बारिश ने शहर वासियों को राहत दी है। एक तरफ देश की जनता कोरोना महामारी से परेशान है, तो वहीं बढ़ती महंगाई से लोगों का बजट बिगड़ रहा है। इस बात को लेकर संविधान चौक में धुआंधार बारिश में सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए धुआंधार बारिश में साइकिल चलाई। बीसीएन न्यूज की खबरें सुपर फास्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।